So, a very good morning to all present in the class. Today we will discuss further two properties, particularly physicochemical properties of drug molecule. The first property which we are going to discuss today is dielectric constant. सबसे पहले हर property में we will discuss what's the definition of that particular property. वो प्रॉपर्टी हम कैसे मेजर करते हैं, स्मॉल नोट ऑन दैट. थर्ड वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अगर आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो उसकी ये तीनों चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको तीनों ही आएंगी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग. फर्स्ट द डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा सा नोट, कैसे मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नेक्स्ट व्हाट इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. एंड थर्ड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दोस प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इफ यू लुक ओवर हियर, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है? एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज द मेजर ऑफ the efficiency of the molecule to induce dipoles in the another molecule. ये वो efficiency है molecule की जिससे वो दूसरे molecules में induce कर सकता है dipole. वो होता है उसकी dielectric property. और in other words, अगर मैं दूसरे words में explain करने की कोशिश करूँ क्या होती है dielectric constant, ये एक physicochemical property है which we all know of the solvent relating to the amount of energy required, kitni energy chahiye hogi to separate two oppositely charged regions in the solvent. Ek solvent mein do oppositely charged regions ko separate karne ke liye kitni energy required hai, jab hum usko compare karte hain to the energy required to separate the same two oppositely charged molecules in a vacuum. फर्स्ट डेफिनेशन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो एक जर्नलाइज डेफिनेशन है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की. ये मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में डाइपोल कैसे इंड्यूस कर सकता है और कितनी इजीली इंड्यूस कर सकता है. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन इज समवर्ट मैथमेटिकली आप डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कैसे मेजर करते हो वो थोड़ा सा आपको वो बताता है. कैसे मेजर करते हो, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप ऑपोजिटली चार्ज रीजन्स को कितनी एनर्जी लगा के सेपरेट करते हो. व्हेन आई कंपेयर दिस एनर्जी विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट सेम दोज चार्जेस, वही दो चार्जेस को जब मैं वैक्यूम में सेपरेट करने की कोशिश करूंगी तो कितनी एनर्जी लगेगी, इन दोनों की रेशियो विल बी माई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ठीक है बच्चे, सो इसकी मेजरमेंट बहुत सिंपल है. For the measurement of dielectric constant, we use a parallel plate condenser. Parallel plate condenser use किया जाता है. Parallel plate condenser is a very simple equipment in which you have two plates. One plate is this, एक plate ये होगी और एक plate ये होगी. दो आपके पास plates है as you see in the diagram. Separated in between उसमें एक insulating medium होगा. In between these two plates, there will be present an insulating medium. ठीक है बच्चे, इन दोनों प्लेट्स को आप इसके अगेंस्ट, इसके अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे. ठीक है, एज यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्टोर्ड. इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं. वेदर यू आर यूजिंग अ वैक्यूम और यू आर यूजिंग सम गैस और यू आर यूजिंग सम सॉल्वेंट, डिपेंडिंग ऑन दैट इंसुलेटिंग मीडियम इलेक्ट्रिसिटी विल बी इंड्यूस. दिस इज अ सिंपल इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कंडेंसर, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, अंदर आप कोई ना कोई मीडियम ऐड करोगे और यू सिंपली कीप इट एज अ वैक्यूम एंड यू विल अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. ठीक है बच्चे, सो जब आपने मेजर करना है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, आपका जो सैंपल है वो इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स डालोगे एंड यू विल अप्लाई द पोटेंशियल.
Now, how you will measure your dielectric constant? For that, the number of columns of electricity that a condenser can store, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडेंसर स्टोर कर सकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना अप्लाई कर रहे हो अक्रॉस योर यू नो प्लेट्स. सो मैथमेटिकली आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ कंडेंसर विच इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. वेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन यू हैव टू एड वन कॉन्स्टेंट. सो वो कॉन्स्टेंट क्या है मेरा, दैट इज कैपेसिटेंस. और अगर मैं कैपेसिटेंस को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, कैपेसिटेंस क्या होगी, इट विल बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किन किन की रेशो है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट, दैट इज योर क्यू, विच इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना अप्लाई कर रहे हो उन दोनों के अगेंस्ट. ठीक है बच्चे, दिस रेशियो इज योर कैपेसिटेंस एंड दैट विल बी कॉन्स्टेंट फॉर वन असेंबली. जो आप असेंबली यूज कर रहे हो उसके लिए कॉन्स्टेंट है, बट ये डिपेंडेंट किस पे होगी, उन दोनों प्लेट्स के. नंबर वन, एक तो आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस. सेकेंड, कितना चार्ज उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कलेक्ट हुआ. ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो. कैपेसिटेंस विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो. ठीक है बच्चे, सो जब आपने डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी लिक्विड का मेजर करना है, ठीक है, विच इज डेजिग्नेटेड बाय एप्सिलन. क्या यूनिट, क्या आपका सिंबल है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एप्सिलॉन. इट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर विद लिक्विड व्हेन योर मीडियम इज लिक्विड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर इन वैक्यूम. व्हेन यू रिप्लेस दिस मीडियम विद वैक्यूम, यू आर यूजिंग वैक्यूम इन इट. ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है बच्चे, so I have three separate conditions. First condition है when I am having a plate condenser है मेरे पास, this side is my positively charged and this side is my negatively charged and I have vacuum in it. मेरे अंदर vacuum मैंने apply किया हुआ है. When I have applied vacuum, my C is equal to 1. C मेरा 1 के बराबर होगा and my epsilon will be equal to 1. Because ऊपर भी मेरा 1 हो जाएगा, नीचे भी मेरा 1 हो जाएगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा रेशियो का, that will be equal to 1. Second is the case when I have not a vacuum but a polar liquid in it. उसी तरह से मेरी plates है, I have a positive end, I have a negative end. In between, I have added a polar liquid. Polar liquid में हम सब जानते हैं positive and negative end हमारे different identified होते हैं, marked होते हैं. So depending upon what's the charge present on both the plates, your molecules will orient themselves like this. Negative end will be towards the positive plate and positive end towards the negative end. Similarly, इधर आपका negative इस side आ जाएगा, positive इस side आ जाएगा. So your C will increase, आपकी capacitance increase करेगी. In the formula of dielectric constant, आपका numerator increase हो रहा है as compared to your denominator. So your E will be very very higher than 1, बहुत higher होगी, क्योंकि मेरे molecules के पास already charge है. ठीक है, एंड माई मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल्स इन इट. ठीक है बच्चे, सो माई ई विल बी वेरी वेरी हायर देन 1. थर्ड इज द केस व्हेन इंस्टेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल आई एड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. मैंने पोलर मॉलिक्यूल की बजाय उसी तरह से प्लेट्स के बीच में आई एडेड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल एड कर दिया, आई हैव अ पॉजिटिव एंड आई हैव अ नेगेटिव एंड. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वी ऑल नो पोलर में वी हैव मार्क पॉजिटिव एंड्स नेगेटिव एंड्स इन अ मॉलिक्यूल, अपने आप वो डाइपोल बन जाता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप
पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करते हो, उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस डाइपोल हो जाता है. जो डाइपोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं. सो सिमिलरली योर मॉलिक्यूल्स विल ओरिएंट देमसेल्व्स पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेन एंड नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेन. उसी तरह से आपके मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिएंट करेंगे. हेयर ऑल्सो योर सी विल बी ग्रेटर देन वन, आपकी सी इंक्रीज होगी. एप्सिलॉन विल बी मोर देन वन, बट एज कंपेयर टू योर पोलर वाली कंडीशन, आपके नॉन पोलर में जो एप्सिलॉन होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी. बिकॉज यहाँ डाइपोल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं. So here your epsilon, your dielectric constant will be greater than 1, but it will be smaller than when you compare it with your polar wali condition. Okay? Next hai Rajay, what are the applications of dielectric constant? Dielectric constant ki kya kya applications hai? Agar simple mein important application with respect to dielectric constant baat karu, we have three important application. Number one, dielectric constant is used to check the polarity of the compound. Compound ki polarity aap check kar sakte ho agar aapko dielectric constant ki value pata hai. Theek hai, आपके पास फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है. हर पर्टिकुलर, हमने कहा कि एक वैल्यू फिक्स्ड होगी, है ना, हर सब्सटेंस के लिए. तो आपके पास वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज वन. वन इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वैक्यूम. एंड इफ वी नो दैट द मोस्ट पोलर सॉल्वेंट विच वी इनकाउंटर इन लैब एवरी डे इज योर वॉटर. सबसे ज्यादा पोलर सब्सटेंस जो हम लैब में हर रोज यूज करते हैं वो क्या होता है, वाटर. वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 78.5. दैट मींस ऑल अदर सब्सटेंसेस जिनकी पोलैरिटी वाटर से कम है, दे विल लाई इन बिटवीन 1 एंड 78.5. ठीक है बच्चे. सो बाय सिंपली लुकिंग कि आपकी जो भी सैम्पल है उसकी पोलैरिटी टुवर्ड्स वाटर है और टुवर्ड्स वैक्यूम है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वो कितना पोलर है और कितना नॉन पोलर है. जितना वाटर की तरफ उसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतनी उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी उसकी पोलैरिटी कम होगी, उतनी नॉन पोलर नेचर ज़्यादा होगी उसकी. ठीक है बच्चे. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन योर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज दैट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज यूज टू एस्टिमेट द सोलबलाइजेशन ऑफ अ ड्रग. हमारी ड्रग की सोलबलाइजेशन कैसे, मतलब उसका एक एस्टिमेट बनाने के लिए वी जर्नली यूज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. हमारी जर्नली जो ड्रग्स होती है ना बच्चे, नॉर्मली ड्रग्स हमारी पोलर नेचर की नहीं होती, इधर दे आर नॉन पोलर और दे आर सेमी पोलर. हमारी जितनी भी ड्रग्स हम लोग स्टडी करते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर और सेमी पोलर कैटेगरी में आती है. और हमें पता है कि एक ड्रग को अगर सोलबलाइज करना है इनटू अ पोलर सॉल्वेंट, व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि ल्यूमन में सबसे पहले हमारी ड्रग ने वाटर में सोलबलाइज होना है एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, है ना. तो ड्रग ने अगर सोलबलाइज होना है पोलर सॉल्वेंट में तो उसको हमें या तो आयंस की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा या नॉन पोलर और सेमी पोलर ड्रग में हमें इंड्यूस करना पड़ेगा डाइपोल, तभी वो अपने आप को वाटर में सोलबलाइज कर पाएगा. अब वाटर हैज़ अ वेरी हाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इट हैज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी टू इंड्यूस डाइपोल इन सम अदर मॉलिक्यूल्स, अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो इफ वी रिप्लेस और इफ वी थिंक अबाउट रिप्लेसिंग दैट वाटर विद सम अदर सॉल्वेंट जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम है, वी हैव टू चेक कि हमारे दैट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का सॉल्वेंट जो हमने रिप्लेस किया था वाटर को जिससे, वो उतनी कैपेसिटी रखता है कि वो हमारे नॉन पोलर ड्रग मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंड्यूस कर रहा है. ठीक है बच्चे. बिकॉज अगर वो इंड्यूस करेगा तभी वो सोलबलाइज होंगे, अदरवाइज वो सोलबलाइज नहीं होंगे. सो बाय सिंपली चेकिंग द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ माय सॉल्वेंट आई कैन प्रिडिक्ट हाउ दैट सॉल्वेंट विल सोलबलाइज माय ड्रग, जो कि जर्नली मैंने बात की नॉन पोलर और सेमी पोलर ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं.
ठीक है बच्चे, सो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विल गिव मी वन एस्टिमेट ऑफ द सोलुबिलाइजेशन ऑफ माई ड्रग. हम एस्टिमेट विदाउट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी कैन हैव अ रफ आइडिया कि मेरी ड्रग कैसे बिहेव करेगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट. थर्ड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज आई कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट फॉर सोलुबिलाइजेशन ऑफ माई ड्रग. अब मेरे पास एक ड्रग है एंड आई हैव सम एस्टिमेट कि इस ड्रग को अगर मैक्सिमम सोलुबलाइज करना है तो इतना डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेरे सॉल्वेंट का हो, या इफ आई एम यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और अ सॉल्वेंट ब्लेंड तो उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इतना. देन आई कैन सिलेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आई कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रेशियो इन विच आई विल मिक्स डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट ताकि रिजल्टेंट का जो मेरे पास डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आए वो उनका प्रोडक्ट हो, है ना. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन हैज़ अ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ 30. मतलब रिक्वायर्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टू सोलुबलाइज फिनोबार्बिटोन इज 30. सो आई हैव टू सिलेक्ट पर्टिकुलर सॉल्वेंट और पर्टिकुलर सॉल्वेंट ब्लेंड जिनकी उस रेशियो में उसको मैं सोलुबलाइज करने की कोशिश करूँ कि उसका जो आंसर मुझे मिले उस सॉल्वेंट ब्लेंड का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का दैट शुड बी नियर टू 30. ये हमने सोलुबलाइजेशन में भी सोलुबिलिटी पैरामीटर में डिफरेंट पैरामीटर के लिए हमने कैलकुलेशंस की थी. इफ आई गिव यू दैट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट ब्लेंड इज इक्वल टू इफ आई हैव टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी, दो सॉल्वेंट्स है ए एंड बी, तो किस रेशो में वो मैंने ऐड करने हैं, कितनी परसेंट कॉम्पोजिशन ए की है मल्टीप्लाइड बाय क्या डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ए का, प्लस कितनी परसेंट कॉम्पोजिशन बी की है मल्टीप्लाइड बाय क्या डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है बी का, डिवाइडेड बाय 100. दैट विल बी द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ माय सॉल्वेंट. यहाँ से मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि किस रेशो में मैं दोनों को मिक्स करूँ, ठीक है, ताकि मुझे मेरा रिक्वायर्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मिल जाए. ठीक है बच्चे, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट?